मैं मानगढ़ की इस पावन धरा को नमन करता हूँ, नमन करता हूँ हमारे खत्री और नमन उन 1507 शहीदों को जो भील प्रदेश का सपना लेकर चले थे और आज भील प्रदेश के लिए जगह जगह से युवा यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी को हार्दिक जोहार करता हूँ। साथियों, आज का जो समय है ये समय आदिवासियों को एकजुट होने का समय है। इस समय में हम लोगों को उपजातिवाद से निकलकर आदिवासियों के लिए होने का समय है, क्योंकि आने वाला जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से ये जो लोग हैं वो हमारे सांस्कृतिक विरासत को, हमारे संवैधानिक प्रावधान को खत्म करने वाले हैं। लेकिन इस देश का आदिवासी युवा जाग चुका है। आज मानगढ़ की पावन धरा पर हम तो सोचे थे सिर्फ 4 राज्य के लोग एकत्रित होंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के, लेकिन अभी देखा हूं कि पंजाब और हरियाणा से भी लोग आए हैं। उनको क्रांतिकारी जोहार का। और ये आने ये आदिवासी परिवार की जो क्रांति है और मध्य प्रदेश में जो पीली जयंस की क्रांति है, ये क्रांति पूरे देश में जाएगी। और सिर्फ ये 4 राज्य के आदिवासी लोग एकत्रित नहीं होंगे, अगर यूसीसी लागू किया और हमारे संवैधानिक अधिकारों पर प्रहार किया तो इस देश का संपूर्ण आदिवासी, चाहे वो झारखंड का मुंडल संथाल हो, चाहे मणिपुर के आदिवासी हो, चाहे पूर्वोत्तर राज्य के आदिवासी हो, सब एकजुट होकर जरूरत पड़ी तो दिल्ली के संसद भवन को भी जाकर घेरेंगे। ये आप सबको बताना होगा क्या अगर यूसीसी लागू होती है और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों पर प्रहार किया जाता है तो दोनों हाथ उठाकर बताइएगा क्या दिल्ली जाकर संसद का घेरा हम लोग करेंगे। और अभी आपने मध्य प्रदेश का एक कांड सुना होगा, सीधी में एक आदिवासी युवक पर एक शुक्ला नाम का पंडित पेशाब कर देता है। हमने पोस्ट डाली, विरोध किया। भोपाल में बैठे जो सीएम के लोग हैं वो चाहते थे कि इस लोकस मुजालदा को अंदर कर दें ताकि आदिवासियों की आवाज दब जाए, लेकिन उनसे कह देना चाहता हूँ कि एक लोकस मुजालदा को अंदर करोगे तो हजारों लोकस मुजालदा खड़े हो जाएंगे, हजारों गौरलाल परमार खड़े हो जाएंगे, हजारों कांति दादा खड़े हो जाएंगे। जहां जहां पर भी अत्याचार होता है आपको हम सबको आवाज बुलंद करने की जरूरत है। और उन लोगों से कह देना चाहता हूँ फिर जो हमको जेलों में डालने की कोशिश करते आ रहे, हमारे पुरखे मर गए थे, हम क्या जेलों से डर जाएंगे? हम जेलों से डरने वाले लोग नहीं है। हमको जंजीरों में कैद करने की कोशिश ना करो, हमको जंजीरों में कैद करने की कोशिश ना करो। हम वो टंटिया भील और बिरसा मुंडा की वंशज है, जिसका भी शिकार करते हैं उसका रूह तो क्या जिसमें भी दम तोड़ देती है। हम वो कमजोर खून के लोग नहीं है। एक नहीं हजार FIR कीजिए, लेकिन आदिवासी कौम को डराना बंद कर दीजिए। लेकिन जिस दिन आदिवासी कौम अपने पारंपरिक हथियार के साथ अगर सड़कों पर निकल गए उस दिन आप लोग अपनी दुनिया में चले जाओगे और भारत हम वापस ले लेंगे। और रही बात भील प्रदेश की, भील प्रदेश हमारा अभिन्न अंग है। जितना खून का कतरा आपका बहेगा उससे ज्यादा खून का कतरा हम लोग बहाने के लिए तैयार है। भील प्रदेश हम लेके रहेंगे। भील प्रदेश हमारा राज्य है, गोंडवाना लैंड भी हमारा राज्य है। जब हमारी टेरिटरी हमारी थी, भारत देश हमारा था, आप लोगों ने आके शरणार्थियों ने यहाँ पर आके शासन किया, हम पे अत्याचार किया और हम आवाज उठाए तो जेलों में डालने की धमकी देते हो। ये गिदड़ भक्या देना बंद कर दीजिए। आज देख लीजिए यहाँ लाखों की संख्या में मानगढ़ धाम पे उपस्थित हुए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उससे ज्यादा तो यहाँ घूम रहे हैं। और ये लोग दिल्ली जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो शासन प्रशासन को कह देना चाहता हूँ कि आदिवासियों को उकसाना बंद कर दीजिए, अगर हम लोग सड़कों पे आ गए तो तुम्हारा घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। इसी के साथ आप सभी को क्रांतिकारी जोहार। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है, जय भील प्रदेश।